गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एमएस वर्ड में होम मेन्यू की पैराग्राफ कमांड ग्रुप की कमांड्स के बारे में बातचीत करूंगी या पैराग्राफ ग्रुप की कमांड्स हम आज सीखेंगे। सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो यहाँ है पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स। तो सबसे पहले हम कमांड को अप्लाई करने से पहले हम यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो चलिए हम यहाँ कुछ शहरों के नाम लिखते हैं, जैसे अजमेर, अलवर, जयपुर एंड बीकानेर। इस तरीके से मैंने यहाँ चार शहरों के नाम लिखे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इन शहरों के नाम के आगे मैं बुलेट्स शो करूँ। तो यहाँ हम सबसे पहले हमने इन्हें सेलेक्ट किया और हम यहाँ गए बुलेट कमांड पर। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके पास कुछ प्रकार के बुलेट्स दिखाए गए हैं, आप जो चाहें अपने शहरों के नाम के आगे शो कर सकते हैं। जैसे ये भी लगा सकते हैं, ये, इनमें से कोई भी एक स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको इनमें से कोई पसंद ना आए तो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जा कर के, ये देखिए यहाँ आपको सिंबल भी दिया हुआ है, कोई भी सिंबल ले सकते हैं इनमें से, या आप पिक्चर ले सकते हैं कोई भी। इस तरीके से ये जो पिक्चर्स हैं इनको भी आप बुलेट के रूप में लगा सकते हैं, या फिर आप फॉन्ट को भी, ये देखिए इस तरीके से कोई भी फॉन्ट भी आप अपने बुलेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर सिंपल बुलेट लगाया इस तरीके का, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ बुलेट लग गया। अब मैं इसके बाद जो भी टाइप करूँगी अपने आप उस शहर के नाम के आगे इस तरीके का बुलेट लगा हुआ आएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा कोटा, तो देखिए कोटा के आगे भी अपने आप बुलेट फिक्स हो गया। इस तरीके से हम इस कमांड के द्वारा बुलेट लगा सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है नंबरिंग। जिस तरह आपने बुलेट लगाए हैं उसमें आपने कोई एक विशेष आकृति लगाई है बुलेट के रूप में, आप नंबर लगा सकते हैं इस कमांड के द्वारा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ से आप कोई भी इस तरीके का नंबर ले सकते हैं, ए बी सी के रूप में ले सकते हैं, या और भी कोई इस तरीके का आप नंबर ले सकते हैं, या आप नया नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। अब इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए बी सी के रूप में किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ ये लिया, ओके। तो देखिए यहाँ पर शहरों के नाम के आगे इस तरीके से ए बी सी डी लिखा हुआ आ गया। अब आप अगर इसके आगे जो भी शहर का नाम टाइप करेंगे उसके आगे भी आपको इसी तरीके से नंबर एफ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। इस कमांड के द्वारा आप डॉक्यूमेंट में हेडिंग के अंदर भी पार्ट्स बना सकते हैं, मतलब एक लिस्ट के रूप में उसे शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अजमेर है, इसके बाद आप अजमेर के बाद मान लीजिए आपने टाइप किया, अजमेर का रेलवे स्टेशन आपने टाइप किया यहाँ, रेलवे स्टेशन। अब मैं चाहती हूँ कि ये मुख्य हेडिंग के समान दिखाई ना दे, ये इसके एक पार्ट के रूप में दिखाई दे। तो मैं यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट कमांड पर क्लिक करूँगी। यहाँ से अब मैं सबसे पहले डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट क्लिक किया। अब मैंने फर्स्ट लेवल के लिए यहाँ हमने अल्फ़ाबेट डाले हुए हैं ए बी सी डी। अब सेकंड लेवल के लिए हम इसके अंदर मान लीजिए नंबर देना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ नंबर सेट हो गए और मैंने इसे किया ओके। अब आप देखिए मुझे रेलवे स्टेशन को इसके एक पार्ट के रूप में शो करना है। अब मैंने वापस मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ गई चेंज लिस्ट लेवल पे, मुझे जाना है जो हमारा रेलवे स्टेशन वाला सेकंड जो हमने लेवल सेट किया था उस पर। तो मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये रेलवे स्टेशन अब इसके पार्ट के रूप में आ गया। अब अगर मैं इसी के अंदर कोई और पार्ट लिखना चाहती हूँ, अजमेर का ही कोई और हिस्सा भी दिखाना चाहती हूँ, तो वो भी इसी तरीके से आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा बस स्टैंड, तो इसे आप देखकर बता सकते हैं
कि ये अजमेर के रेलवे स्टेशन के बारे में बात हो रही है और बस स्टैंड के बारे में बात हो रही है, जबकि ये जो ए बी सी डी हैं ये हमें दिखा रहे हैं शहरों के नाम, यानी मुख्य हेडिंग ये ए बी सी डी की हुई और जो इसके पार्ट हुए वो हमने 1-2 से दिखाया है। तो ये है हमारी मल्टी लेवल लिस्ट। इस तरीके से आप इस कमांड के द्वारा एक हेडिंग के अंदर दूसरी हेडिंग बना सकते। नेक्स्ट कमांड है आपकी इंक्रीज इंडेंट। इस कमांड के द्वारा आपने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है आप उसे इधर भी सेट कर सकते हैं और उधर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ इसे इधर शिफ्ट करना है थोड़ा, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए ये यहाँ अपने आप सेट हो गया। और मुझे इसका इंडेंटेशन इंक्रीज करना है, ये देखिए। अब जो इसके साथ ही जो कमांड है वो है डिक्रीज इंडेंट। इसके द्वारा आप इसके इंडेंट लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं यानी कि घटा सकते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ आ गया। इस तरीके से इस कमांड के द्वारा आप इंडेंट लेवल को चेंज कर सकते हैं। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का इंडेंट आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बस स्टैंड लिखा है, मुझे इसका इंडेंट लेवल चेंज करना है, तो मैंने वापस इंक्रीज इंडेंट लेवल पे क्लिक किया। आप ये देखिए ये रेलवे स्टेशन का भी सब पार्ट बन गया। वापस मुझे इसे मेन उसी में लाना है, रेलवे स्टेशन। जैसे फर्स्ट हेडिंग है रेलवे स्टेशन, सेकंड बस स्टैंड करना है, तो मैंने इसको डिक्रीज इंडेंट करके वापस उसी पोजीशन में ला दिया। इस तरीके से आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट करके इनका इंडेंट लेवल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कमांड है वो है सॉर्ट कमांड। इस कमांड के द्वारा आप संख्याओं को या टेक्स्ट को या अल्फ़ाबेट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम इस कमांड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने इसे सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ। अब हमने सॉर्ट कमांड पर क्लिक किया। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि टेक्स्ट को असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है या पैराग्राफ को। अभी यहाँ पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि हमारा ये पैराग्राफ है। तो यहाँ पर अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक है। आप मान लीजिए इसको असेंडिंग किया और ओके किया, तो देखिए यहाँ पर अभी असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए। सबसे पहले अजमेर, फिर अलवर, फिर बीकानेर, फिर बीकानेर के बाद बस स्टैंड, जयपुर, कोटा, रेलवे स्टेशन। इस तरीके से ये अरेंज हो गया। अब हम वापस इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो मैंने यहाँ डिसेंडिंग पर क्लिक किया, ओके किया, ये देखिए ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से सेट हो गया। तो इस कमांड के द्वारा हम अल्फ़ाबेट्स को या संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब हमने हम पहले वाली कंडीशन में हमने अपने टेक्स्ट को लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है शो हाइड, यानी कि इस कमांड के द्वारा आपको अपने पैराग्राफ के पीछे एक सिंबल दिखाई देगा। आप उस सिंबल को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। यह आइकन कर्सर की स्पेस की जानकारी देता है, जो आपका कर्सर है उसकी या स्पेस की जानकारी यह आपको देता है। इसको आपने क्लिक किया तो देखिए ये सबके पीछे इस तरीके से ये आइकन आपको दिखाई देगा। तो हमने इसको अभी शो कर रखा है तो ये दिखाई दे रहा है हर पैराग्राफ के हर लाइन के पीछे। इसे हम हाइड करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। इस कमांड का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल एल, यानी कि यदि हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से अलाइन करना चाहें तो हमें इस कमांड को सेलेक्ट करना होता है, जो कि अभी इस समय हमारी यही सेलेक्ट है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है सेंट्रल अलाइन। इससे टेक्स्ट को बीच का अलाइनमेंट दिया जाता है, यानी कि सेंटर का अलाइनमेंट दिया जाता है। और इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल ई। तो सबसे पहले हमने हमारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया इस तरीके से, अब हमने सेंट्रल अलाइन पर क्लिक किया तो देखिए हमारा टेक्स्ट बीच में अरेंज हो गया या सेट हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस आर। तो मैंने इसको ये देखिए इस कमांड पर क्लिक करते ही हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट में अलाइन हो गया। अब हम वापस इसे लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं तो मैंने इसको अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पर क्लिक कर दिया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले वाली कंडीशन में आ गया, यानी कि लेफ्ट से अलाइनमेंट उसका सेट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है लाइन स्पेसिंग। इस कमांड के द्वारा हम अपनी जो टेक्स्ट है उसकी जो लाइंस हैं उनके बीच में स्पेस को सेट कर सकते हैं। बीच का स्पेस हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी 1.15 स्पेस पर लाइन के बीच में है, हम इसे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसे सेलेक्ट किया,
उसके बाद लाइन स्पेसिंग कमांड पर क्लिक किया और ये देखिए ये हमने इसको बढ़ा दिया। अब हमारी हर लाइन के बीच में 2 पॉइंट्स की स्पेस हो गई है। इसे हम कम करना चाहें तो देखिए अब ये पहले से भी कम हो गया, हमने सिर्फ 1 पॉइंट की स्पेस इनमें दे रखी है। इस तरीके से लाइन स्पेसिंग कमांड के द्वारा हम अपने जो टेक्स्ट है उसके अंदर लाइंस के बीच में स्पेस को सेट कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है शेडिंग। इस कमांड के द्वारा हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का बैकग्राउंड रंगीन कर सकते हैं। यदि हम उन्हें बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं देना चाहते या उसे वाइट ही रखना चाहते हैं तो हम उसमें नो कलर सेलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे नो कलर पर। तो देखिए किस तरीके से सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने शेडिंग कमांड पर क्लिक किया। अब आपको जो भी शेड बैकग्राउंड में देना है आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये कलर देना है, मैंने किया। अब ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में ये कलर सेट हो गया। अब मुझे इसको वापस वाइट करना है तो मैं नो कलर पर क्लिक करूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये नो कलर हो गया। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है बॉर्डर, यानी कि इस कमांड के द्वारा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप टेक्स्ट में बॉर्डर लगा सकते हैं या ऑल बॉर्डर करने पर सभी तरफ से बॉर्डर कर सकते हैं। बीच में इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर भी डाल सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से सबसे पहले हमने हमारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, अब हमने इसके नीचे बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर किया। तो देखिए ये हमारी इसकी हेडिंग के अंदर का पार्ट है तो इनके नीचे भी बॉर्डर आ गया और इधर भी आ गया। अब इसके बाद टॉप बॉर्डर किया, टॉप में आ गया। अब इधर लेफ्ट बॉर्डर किया तो ये लेफ्ट में बॉर्डर बन गया और ये राइट बॉर्डर किया तो इस तरीके से पूरे टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर बन गया। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर ना हो तो हम नो बॉर्डर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट के चारों तरफ अब किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं है। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो के माध्यम से होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप की कमांड्स को देखा और समझा। आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।